उत्तराखंड में जब भी कभी अच्छे म्यूजिक और अलग तरह का म्यूजिक बनाने की बात आती है तो नाम आता है पांडवास का। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हमारे मेहमान हैं पांडवास। अभी कुछ दिनों पहले ही इनकी एक फिल्म आई है जिसका नाम है यकुलास, यानी उस अकेलेपन की कहानी है जो आजकल हमारे पहाड़ों में देखने को मिलता है। कितनी खूबसूरती से ये कहानी कही गई है, अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखते हैं तो आपको देखने को मिलती है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारी टीम से शैल ने पहल की पांडवास से बात करने के लिए। अब आगे शैल की बारी, वो आपको ले जाएंगे पांडवास की बातों की ओर। नमस्कार दगड़ियों, मैं शैल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चित म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस पांडवास क्रिएशन के साथ। पांडवास की तरफ से हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं ईशान डोभाल जी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं एंड कुणाल डोभाल जी जो डायरेक्शन देखते हैं। #उत्तराखंड मांगे भू कानून ये पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ट्रेंड बना और अभी भी है, और इन्हीं दिनों में बैक टू बैक काफ़ी शॉर्ट मूवीज़ आई पलायन पे। इसी बीच आपकी भी एक शॉर्ट मूवी आई है यकुलांस, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी टीम ने कोई प्लान किया, रिसर्च करी तब ये मूवी करने की सोची, या फिर आपने सोचा कि चलो लोहा गर्म है हम भी हथौड़ा मार देते हैं? उत्तराखंड मांगे भू कानून आजकल, हाँ, काफ़ी गर्म मुद्दा तो है। युवा जितने भी हैं सब, मतलब ज़्यादातर जो प्रतिशत है युवाओं का, वो इसको हैशटैग में, सोशल मीडिया पर और सड़कों पर भी युवा है। पर हमने ऐसा नहीं सोचा था कि जी ये फिल्म, ऐसा तो है नहीं कि भू कानून पर बनी है। हाँ, कुछ बनी है फिल्में, वो रिलीज़ भी हुई हैं, पर हमने ऐसा नहीं सोचा था कि जी ये भू कानून पर तो अभी रिलीज़ कर लेते हैं। ये तो 3 साल से बन रही है जिस तरह से इसकी हिस्ट्री है, तो ये तैयारी अभी भी, एक फेस्टिवल के लिए हमने इसको रेडी किया, उसकी डेडलाइन थी, तो वो प्रेशर आ गया। और जब आप, प्रेशर होता है कि डेडलाइन ये है तो आप काम और शिद्दत से करते हैं, और वो हो गया बस। हाँ, इतना हमने सोचा, अगर ऑनेस्टली कहें, सच्चाई ये है कि हमने ये सोचा कि जी भू कानून की बात हो रही, तो जो युवा है वो अपने उत्तराखंड, अपनी ये देवभूमि जो है उसके रिसोर्सेज को जानता है, मतलब जान चुका है, और उसको, उसका जो वज़न है वो समझ चुका है, उसकी कीमत समझ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं, ऐसा तो डायरेक्ट तो नहीं हिट करती भू कानून को जो हमारी यकुलास फिल्म है, ये कहीं ना कहीं इसमें अपनी जो एक परंपरा है, अपने गांव हैं, वो जो छूटते जा रहे हैं उनकी बात है। यूट्यूब के उस दौर में जब इंस्टाग्राम और टिकटॉक की शॉर्ट वीडियो डिसाइड करें कि कौन सा गाना हिट होगा कौन सा नहीं, तब आपकी टीम अपोजिट टू ट्रेंड जाके एक एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट मूवी करती है। तो इस शॉर्ट मूवी को करते वक्त क्या कभी आपके दिमाग में कोई डाउट आया कि यार क्राउड फंडिंग करके ये मूवी कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को पसंद आएगी भी या नहीं, या जो हम समझाना चाह रहे हैं वो लोग समझ पाएंगे भी या नहीं? देखिए, हमारा पहला गाना था रंजना, तो जो फीलिंग उस समय थी कि रंजना रिलीज़ कर रहे हैं जी, अभी इसमें क्लासिकल गायकी है और इसमें ठेठ जो बैदा सिंगिंग है, जो बैदा गायकी है, बद्दी जो सिंगिंग है वो है, तो ये तो बहुत, मतलब ऐसा डर नहीं लगा, क्योंकि उस समय तो खैर रिसोर्सेज ऐसे थे नहीं और खोने का कुछ था नहीं, हमारा नाम तो था नहीं, और तो पर ये था कि अरे यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम जब कॉलेज के टाइम से ही जो भी शास्त्रीय या सुगम संगीत में जो प्रतिभा करते थे, तो उसमें भी एक्सपेरिमेंट करते थे, उसका गिटार का यूज़ करना या इसका यूज़ करना, तो आगे से कुछ जजेस कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, पर लोगों को बहुत पसंद आता था, पर जो भी कर रहे हैं भाई अच्छा लग रहा है। अभी रंचना के बाद वो जो एक्सपेरिमेंट होता चला गया, फिर हमने पुराने गानों को बनाना शुरू किया, और फिर जब ये ओरिजिनल अब मूवी लेके आए हैं, तो ऐसा क्या, पर नाम अच्छा आपने एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट मूवी का, मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि कुछ लोगों को इसको डॉक्यूमेंट्री कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो सिनेमा की समझ हल्के हल्के पहले हम में भी नहीं थी। हम लोगों ने जैसे फेस्टिवल विज़िट करना शुरू किया, वर्ल्ड सिनेमा से हमारा जब ये हुआ कि आमना सामना हुआ कि देखा स्क्रीन पे कि अरे बाप रे, मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड तो अलग चीज़ है, अच्छा वर्ल्ड सिनेमा अलग चीज़ होती है, तो ये पता चला जब, तो फिर दिमाग के जो घंटियाँ बजी और वो अलग नज़रिया खुलना शुरू हुआ। तो बस ये एक्सपेरिमेंटल मूवी है, और एक्सपेरिमेंट
करने से तो आपको डरना नहीं चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। घोषले से याद आया, मैं इंस्टाग्राम पे आपका लाइव सेशन देख रहा था रिलीज से पहले, तो वहाँ एक सज्जन ने, व्यूअर ने एक कमेंट किया कि घोषले जो है गलत वर्ड है और आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए, ये एक गलत सिनेरियो पोर्ट्रेट कर रहा है। तो इसमें आपके क्या व्यूज़ हैं? घोस्ट विलेज पर हाँ, लोगों ने कहा कि आप घोस्ट विलेज क्यों बोल रहे हैं, ये कोई अच्छा शब्द थोड़ना है, हमारे भूता थोड़ना है, हमारे गांव ये वगैरह, हमारे गांव में तो देवी देवता बसते हैं। तो उन सब प्रश्नों का उत्तर इस फिल्म में है और जगदम्बा चमोला जी की पोइट्री में भी है। और हमने कहीं पे भी घोस्ट विलेज लिखा ही नहीं है, हमने लिखा है द घोस्ट ऑफ विलेज। उन गांवों का भूत वो है, वो अकेलापन, वो यकुलास, हम उसको कह रहे हैं। और उसी नाम से ये ट्रैक भी बना है जिससे एंडिंग होती है फिल्म की। मुंगरियोट व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा शेयर की जाने वाली कविता, और इस कविता को चमोला जी से ही रैप के फॉर्म में गवाना, फोक के साथ मिक्स करना, ईशान जी आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग ये था कि जो उनकी कविता है ना, तो कविता तो उन्होंने कविता के हिसाब से लिखी थी। अब होता तो है कि कविता ही रैप का रूप ले लेती है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा वो उन्होंने स्टेज के हिसाब से लिखी थी। जैसे कि उनकी कविता है, जो छा यक सब उनगे आछन, यक सूख्या मुंगरोट रहे आछन, यूं मां भी कुछ उन चलन कुछ, अब जानो तैयार हूँ या मैं। अब ये यहाँ पर छन लगाते थे, जो छा यक सब उनगे आछन, यक सूख्या मुंगरोट रहे आछन, यूं मां भी कुछ उन चलन कुछ, अब जानो तैयार हूँ या छन मैं मम कौट दे। अब अगर मैं यहाँ पर से इसको ऐड करूँगा तो फिर ये फिर रिदम में नहीं आएगा, फिर वो छन हटाना पड़ा, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें करनी पड़ी। फिर उनको पहले तो चमोला जी को क्लिक पे रिदम समझाया कि यार ये रिदम ऐसा ऐसा है सर, ये ऐसा ऐसा। हालांकि उन्होंने परफॉर्म जब करना शुरू किया तो उन्होंने बहुत बेहतरीन किया, उनका सेंस बहुत अच्छा है। उन्होंने जब रैप करना शुरू किया तो वो सुर भी उन्होंने पकड़ के रखा था, क्योंकि रैप में भी होता है एक सुर वोकल्स का। तो वो चीज़ें थी, बाकी ऐसे चैलेंजेस तो क्या थे, उनको टेक्निकल चीज़ें सपोर्ट करती वो तो खैर सभी को करनी पड़ती है, एज अ प्रोड्यूसर उनको करनी पड़ती है। दीपा जी का ये हुआ कि हमने पहले उस समय, शायद लोगों को याद भी होगा कि हमने ये प्लान तो कर लिया था कि हम इसमें ये चमोला जी की कविता तो रख ही रहे हैं, और चमोला जी से हमारी ये भी बात चल रही थी कि इसमें कुछ ऐसे पार्ट आप डिज़ाइन करो। मैंने धुन भी बना दी थी, मुझे याद है, और हमने पोस्ट भी डाल दी थी कि हमको कोई फीमेल वॉइस चाहिए, और हमारे दिमाग में था कि ऐसी कुछ वॉइस चाहिए। उसके बाद ऐसे ऐसे खोजते खोजते काफ़ी एंट्रीज आई, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। सेटिस्फैक्ट्री इन द सेंस कि अच्छी आवाज़ें आई, बहुत अच्छा सुरी लगाने वाली आई, लेकिन वो जो टच है, जो फोक टच है, वो नहीं आ रहा था। उसके बाद ऐसे ही अचानक मुझे पता नहीं, शायद दीपा बुग्याली के पति हैं, उनका कॉल आया, दीपा जी का कॉल आया कि एक रिकॉर्डिंग करनी है फिर मुझे याद आया, फिर मैंने कुणाल को उनकी आवाज़ सुनाई कि यार इनके तो मैं पहले से जानता हूँ, इनकी आवाज़ तो बिल्कुल ऐसी है और ये तो बहुत अच्छा इनका टेक्सचर है। तो फिर वहाँ से हमने उनको कांटेक्ट किया कि आप ऐसा ऐसा है, आप हमारे साथ गाओ। तो शहर से वो तैयार हो गई थी, तो और उनका उनके साथ गाने का कुछ ऐसा इशू नहीं था। बस हाँ, क्योंकि उनका जो गाना है वो उस टाइप का नहीं है जैसा वो उन्होंने गाया था, क्योंकि क्या जैसे हमारे यहाँ गढ़वाली गाने चलते हैं उस टाइप के वो गाते थे फास्ट रिदम में या जो भी है। अब ये बिल्कुल ऐसा था कि हाँ हल्के गाना है लेकिन वो रिदम भी है, तो वो चीज़ें उनको बस स्टूडियो में सिखानी पड़ी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग करते करते ही उन्होंने सब सीख ली थी, क्योंकि नेचुरल आर्टिस्ट हैं तो कोई ऐसी बहुत दिक्कत नहीं हुई। लिरिक्स के क्रेडिट में एक नाम और है, प्रेम मोहन डोभाल, तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? मुंगरियोट जो कविता है उनकी, उस कविता में थोड़ा सा और आगे भी है कुछ चीज़ें, वो चीज़ें हमने हटा दी थी, क्योंकि वो चमोला जी का अपना एस्पेक्ट था कि आप क्या कर सकते हो गांव में आके, आप ये भी कर सकते हो भी। लेकिन हमको उस समय ऐसा लगा कि ठीक है, चमोला सर ने जब लिखा होगा उस समय ये चीज़ें वो थी, लेकिन अभी स्थिति बदल भी रही है, आगे आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, हर दिन कुछ नया हो रहा है, नए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हमने बोला कि ये जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसे रहने देते हैं, लेट्स इसको हम एक क्वेश्चन पे ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों पे ही छोड़ें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद इसमें एक जो पार्ट था बीच में कि जिसमें चमोला जी उनके बारे में बोलते हैं कि बॉडी तय
वो है मैं मेरठ माँ रिख बाग बनी छो, वो वाली जो लाइन आती है। उसके बाद फिर मैंने हमने सोचा कि इसको हम क्यों ना वहाँ तक लेके जाएं कि गांव में क्या क्या होता था, कैसे होता था। तो फिर वो चमोला जी को हमने बोला, और आप यकीन नहीं मानोगे, चमोला जी को बस हमने बोला था कि ऐसा ऐसा कुछ करना है, और उन्होंने इतनी बेहतरीन लाइन लिख के दी। अभी भी कई लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है, आते जा रहा है कि वो बेस्ट लाइन्स है। तो आर्टिस्ट तो मतलब बहुत अच्छे पोएट हैं, तो उनके साथ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कैलाश फुली बर्मी कॉल वाली जो लाइन है, जो कोरस की लाइन है, वो प्रेमोंडवाल जी जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने लिखी। और कुछ लाइंस और थी जो चमोला जी ने हमें दी थी, उसमें भी कुछ एडिशन हमने करवाया था, क्योंकि चमोला सर ने जैसे माना चार लाइनें दे दी है ना। अब वो उस समय चमोला सर भी बिजी रहते थे, इधर उधर कभी ट्रैवल करना है, कभी कहीं करना है, तो पिताजी तो घर पे ही हैं, तो मैं उनसे पूछ लेता कि पिताजी ये चार लाइन चमोला जी ने दी हैं, इसमें दो और ऐड करनी है। तो इस तरीके से वो दो लाइन्स और ऐड कर देते थे, कहीं पे ये कर देते थे, कहीं पे काटनी है तो छह लाइन लिख दी चमोला जी ने, इसको चार में करना है लेकिन छह के छह का सार उसमें चारों में होना चाहिए, वो चीज़ें करी हैं। तो मतलब उनका नाम भी हमने, मतलब ऐसे नहीं कि रख दो बस क्योंकि इन्होंने भी चार लाइनें लिखी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ के लिखी हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड भी करी। टाइम मशीन 3 यानी शगुना दे में पियानो सबसे पहले दिखाया गया, फिर टाइम मशीन 4 यानी मूवी में भी पियानो दिखाया गया। तो ये पियानो जो है, इसका कुछ सिंबॉलिक मीनिंग है? देखो, पियानो का हमें कुछ ऐसा सिंबलिज्म, कोई चीज़ किसी का करना था, कोई ऐसी चीज़ करनी थी जो कि कुछ जिस पे कि हम कुछ अपना इनपुट भी दे सकें और वो एज अ प्रॉपर्टी भी यूज़ हो और काम की चीज़ भी हो। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी चीज़ रख दी और बस उसको हम एज अ प्रॉपर्टी घुमा रहे हैं कि हाँ यार चलो ये है। तो पियानो हमको बेस्ट चीज़ लगी क्योंकि उसमें काफ़ी स्पेस था, हम उसमें बहुत चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप पियानो को देखेंगे, आप उस पियानो पे नज़र डालेंगे, तो आप जानेंगे कि उस पे बहुत चीज़ें हमने ऐड करी हैं जो कि फोक में हमारे है, घर बनाते हुए या कोई मंदिर बनाते हुए वो सब चीज़ें उसमें लोग वो करते हैं। और बाकी हमने उसमें टाइम मशीन भी उसमें लिखवाया है, तो वो हमारे सीरीज़ को और भी बिना बोले हम अपने टाइम मशीन चीज़ को उसमें दिखा सकते हैं। और पियानो है, पियानो पर्सनली मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट भी है, और मैं जब भी कोई कंपोजिशन करता हूँ तो मैं पियानो से ही करता हूँ। तो फिर मेरे लिए और इजी है कि पियानो भी है, उससे मुझे बहुत अच्छा फील भी आता है, और वो सीधा सीधा हमारे गाने के साथ कनेक्ट भी आता है, विजुअली भी और ऑडियो से भी। अच्छा, मूवी में कुछ सीन्स थे जो मुझे पर्सनली समझ नहीं आए कि यहाँ पर मतलब ये क्या चीज़ है। जैसे पहला सीन तो एक ये था कि बूढ़ा जी एक कंटेनर में एक लिक्विड डालते हैं, देन उसे पंप इन पंप आउट करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो कंटेनर क्या है। दूसरा सीन वो कि वो वहाँ पर एक आलू, उबले हुए आलू के साथ पानी पीते हैं, देन उसके बाद थोड़ा ब्लर ब्लर सी वीडियो हो जाती है। वो लिक्विड जो वो उस कंटेनर में डालते हैं, उस कंटेनर को कहते हैं दुमका, और जो लिक्विड होता है वो सामान्य चाय है, पर जब वो मिक्स करके बन रही थी चाय, तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चाय जो होती है उसको थोड़ा नमकीन हो जाती है टेस्ट में, और उसमें घी की मात्रा होती है मॉइस्चराइजिंग करने के लिए, मतलब जो वहाँ पर ड्राइनेस होती है। जैसे आप लद्दाख में जाएंगे तो लद्दाख तो देखिए अब सब लोग जाते हैं, विश्व पटल में मतलब उसका नाम है, बाइकर्स जाते हैं, ये सब जाते हैं, तो वो चीज़ तो फेम में है, पर ये हर जगह है, चाहे वो पिथौरागढ़ साइड ले लीजिए या हमारे नीति वैली और माणा वैली साइड ले लीजिए, जो कि गढ़वाल का एक मतलब अभिन्न अंग है, और उस जगह पर इस तरह की चाय पी जाती है हाई एल्टीट्यूड पर, अपने बॉडी को मॉइस्चराइजिंग मतलब प्रॉपर लेवल रखने के लिए। अभी उबले आलू का जो जिक्र है, उबले आलू का जिक्र ये मतलब जो हुआ कि उबले आलू के बाद वो क्या पी रहा था, वो उबले आलू के बाद वो शराब जो वहाँ की कच्ची है वो पिया, मतलब वो जो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, अपना जो गुस्सा है, वो जिस तरीके से वो अपना खाली टाइम इंजॉय करने के लिए, वो बिताने के लिए वो जो ड्रिंक कर रहा है, तो उसके बाद कैरेक्टर के साथ ये होता है कि ब्लर होना वो ये है कि वो नशा थोड़ा बहुत हो जाता है उसे, तो वो है सिर्फ। ये बातें इसलिए नहीं लिखी जाती नीचे से, मुझे अच्छा नहीं लगता। यूट्यूब पे फिर ऐसा है नहीं, फेस्टिवल्स में जब ये फिल्म गई है
तो उसमें नीचे लिखा गया है अल्कोहल पीना मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और या हुक्का या बीड़ी पीते हुए भी ऐसा लिखा है स्मोकिंग के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को पर्स छोड़ देना चाहिए कभी कभी, कि वो क्या पी रहा है कैसा पी रहा है। ये पब्लिक अपना समझदार है तो वो समझ जाएगी, पर हाँ कुछ लोग अगर नहीं समझे हैं या वो नहीं पीते हैं शराब या उन्होंने कच्ची नहीं सुनी है, तो वो भी उनके लिए जानकारी शायद कारगर होगी कि वो जो क्या कहते हैं शराब के साथ जो लेते हैं जो भी स्नैक्स चकना कहते हैं जिसे, वो उस तरह का है। आलू बहुत होते हैं उस जगह पर, तो वो ऐसा तो है नहीं कि बाज़ार से लेस चिप्स या कोई और ब्रांड का चिप्स लेके खाएंगे, तो वो अपना घर का ही बनाया हुआ चीज़ उसमें भी मतलब अच्छी चीज़ वो ले रहे थे ऐसा है। मैं YouTube पे कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कमेंट्स में काफ़ी व्यूअर्स ने लिखा था कि आपने हर सीन को 2 बार शूट किया, क्या ये सच है? हाँ, कुछ लोगों का कुछ लोग बहुत मतलब युवा तो आजकल इतना टेक्निकल है क्योंकि वो अपना खुद से वीलॉग और शूटिंग कर रहा है, तो उसे अब फिल्म मेकिंग या वीडियो फिल्मिंग या वीडियो मेकिंग या वीलॉगिंग कहेंगे, उसकी टेक्निकलिटी का पता है। तो कुछ लोगों ने तो गैस कर लिया कि अच्छा तो एक बार POV पॉइंट ऑफ व्यू शूट हुआ है, यानी कि एक ऐसा कैमरा जो कि कलाकार ने पहना है, अभी दूसरा कैमरा से शूट हुआ है जो कि सिनेमैटिक व्यू दिखाता है, यानी कि सिनेमा कैमरा जो कि हमारा कैमरामैन चला रहा है, ठीक है, तो 2 बार शूट किया होगा। पर सच्चाई ये है कि हमने ये हर सीन को 3 बार शूट किया है, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जो कैमरा POV कर रहा था उसे मुंह से पकड़ना होता है दांतों से, तो डायलॉग्स आप तब बोल नहीं सकते। खैर फिल्म में डायलॉग्स नहीं हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी आवाज़ें हैं या कुछ ऐसे चलने फिरने की आवाज़ें हैं जो जब अगर वो दांतों से पकड़ी चीज़ अगर मुंह पर हो तो वो आवाज़ भिन्न आएगी। कुत्ते को के साथ जो लय है पुचकारना है या जानवरों को पुचकारना है, किसी को बुलाना है जानवर को, और या सांस की जो आवाज़ है श्वसन की वो भी अलग आती है अगर आपने दांतों में कुछ रखा है, मुंह बंद है आपका, तो हमें वो आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए हमें 3री बार ऑडियो के लिए रिकॉर्ड करना पड़ा। तो कुल मिला के 3 बार रिकॉर्डिंग हुई है हर सीन की। अब नॉन एक्टर के साथ आप जब इतनी बार काम करेंगे तो फिर ये भी हमने पेशेंस रखना सीख लिया। शुरुआत में नहीं था हमको इतना पेशेंस, हमें थोड़ा खुद पे गुस्सा आ रहा था या कि हम क्यों इस प्रोजेक्ट में आ गए और ये तो बड़ा टफ होता जा रहा है, तो यही कारण थे जो 3 साल लग गए। फिर हमने प्रॉपर गियर बनाया कि ऑडियो इक्विपमेंट कैसे बॉडी में अटैच रहेंगे और वो दिखें भी ना, जैसे एक दृश्य जहाँ पर छाया दिख रही है तो वहाँ पर इक्विपमेंट कोई नहीं दिख रहा है, पर वो इक्विपमेंट पूरा लदे हुए हैं इक्विपमेंट से। तो ये जो टेक्निक हमने किया यूज़, कोई VFX नहीं है, वो ओरिजिनल शॉट है। तो वो कैसे हुआ वो सब आप बिहाइंड द सीन एक वीडियो जब आएगा तो उसमें डिटेलिंग में आप देख पाएंगे। अभी तो मैं इतना कहूँगा कि ये हाँ जी आपके सवाल का उत्तर हाँ जी, ये 2 बार नहीं 3 बार शूट हुआ है। आप लोग एक शॉर्ट मूवी बना रहे हैं जिसमें एक सॉन्ग भी है, अगर कमेंट सेक्शन देखा जाए तो कुछ लोगों को पूरी मूवी पसंद आ रही है, कुछ लोगों को गाना पसंद आ रहा है। तो शान जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस गाने ने मूवी को हिट किया है या मूवी ने गाने को हिट किया है? शुरुआत तो जब हमने करी थी तो हमने सबसे पहले हमने गाना ही बनाया था, वो सबसे पहले हमारा जो कविता थी चमोला जी की मोंगरियाट, वो हमारे पास हमने बोला था कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये अभी तक वो एक्सपोजर इसका नहीं है जो इसका होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। तो वहाँ से हमने शुरुआत करी थी। उसके बाद हल्के हल्के हमने सोचा कि नहीं यार ये सिर्फ ऐसे बोल के कुछ नहीं होगा, इसके साथ हमको कुछ दिखाना भी होगा उस हिसाब से। फिर हल्के 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 कुणाल के आइडियाज़ आते रहे, है ना, और बाकी और भी टीम बैठ के बातें करते रहे, सबके आइडियाज़ आते रहे आते रहते, और इसने एक मूवी का रूप ले लिया। हाँ, अब हम इसको हमने ये भी सोचा कि इसको कितना कॉम्पैक्ट और किस तरीके से बहुत प्रभावी बना पाए हम, तो वो चीज़ें भी चलती रहीं साथ में। फिर पहले तो मुझे सिर्फ एक गाना करना था और एक फिल्म थी जिसमें कि कोई डायलॉग नहीं, ये कुणाल ने तय कर दिया था। लेकिन उसके बाद इसमें हल्के हल्के एक ट्रैक तो ये बना, फिर उसके बाद एक ढोल का ट्रैक अलग बना, फिर एक
बैकग्राउंड स्कोर का अलग बना, और एक फिर लास्ट में द घोस्ट ऑफ विलेज करके एक ट्रैक, और जो आप लास्ट में उसमें कास्टिंग में आप देखते होंगे, जब कास्टिंग आपको आती है लास्ट में उस समय आप देखते होंगे, तो वो ट्रैक भी हमने इसमें बनाया क्रेडिट्स में, सॉरी हम तो क्रेडिट्स में आप भी वो ट्रैक देखते होंगे जो लास्ट में आता है क्रेडिट्स में, तो वहाँ पर भी वो ट्रैक है द घोस्ट ऑफ विलेज। तो ऐसे करके इसमें एज अ फिल्म हम इसमें काम करने लगे, और वो भी एक एक्सपीरियंस था। उसी चक्कर में हमने लेट भी किया, क्योंकि हमको फिल्म बनानी तो हमने कभी फिल्म बनाई नहीं, तो फिल्म बनानी तो आती नहीं है, तो हमने समय लगाया, सीखा और फिर इस पर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी। ढोल डमो की बात की जाए तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने लिखा कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि ढोल डमो जो है बैकग्राउंड में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमने तो आज तक ढोल डमो को जागर में सुना है, या फिर ढोल डमो तो सिर्फ नाचने के लिए होते हैं, यही देखा है शादियों में, और लेकिन फिर भी आपने ढोल डमो को जो है एज अ बैकग्राउंड म्यूज़िक में यूज़ किया, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए वो सब ऐसा है ना कि आप जब हम मूवी देख रहे थे, जब हम बना रहे थे बार बार, तो आप उस समय देखोगे कि ढोल का जो, देखो ढोल में जो एक वर्ड होता है ना रसायण भी है, तो उसमें एग्रेसिवनेस भी है, बस हमको क्या होता है कि उसको अच्छे से पोर्ट्रे करना होता है, वो शायद नहीं कर पाया होगा किसी ने, या किसी ने सोचा नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन हमको तो पूरा यकीन था कि ढोल से बहुत मिठास भी आ सकती है और बहुत एग्रेसिव भी ढोल हो सकता है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ थी। दूसरा ये था कि अगर हमको अपने फोक इंस्ट्रूमेंट को आगे पहुंचाना है तो हमको उसको किसी तरीके से यूज़ भी करना होगा, और उसको उसका एक तरीका हमने ढूंढा कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ढोल किया, ढोल के साथ हमने स्ट्रिंग्स, वायलिन, चेलोज और काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स, और पियानो भी है उसमें बैकग्राउंड में, पियानो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है, वो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है, गिटार्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ढोल हमारा मतलब जैसे हम करते ही हम पहले से काम करते आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यार हम अपने फोक इंस्ट्रूमेंट जो हैं हमारे उनको हम किस तरीके से अच्छे तरीके से प्रमोट करें, ऐसे नहीं कि खाली कहीं पर छपा दिया ढोल दमो और उसको पहन के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, उसको एक अच्छे तरीके से हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया और प्रोजेक्ट किया। म्यूजिशियंस की बात की जाए तो कई बार सुनने में आए हैं कि पांडवा जो है म्यूजिशियंस बाहर से बुलाते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, तो इस शॉर्ट मूवी या सॉन्ग में जो जिन्होंने भी प्ले किया है क्या वो लोकल हैं या बाहर से बुलाए गए हैं? ढोल दमाऊ तो सोहन लाल जी तो जो हैं वो तो हम बहुत छोटे छोटे थे तब से हम उन्हें जानते हैं, वो आते रहते थे, चक्रव्यूह हम करते थे उस समय भी, वो हमारे साथ बजाते थे, हम छोटे छोटे थे, हम तब से उनको देख रहे हैं, वो बजाते थे। मेरा छोटा भाई कुणाल है, उसके वो गुरु भी रहे हैं, कुणाल ने ढोल पे डिप्लोमा किया, तो तब से हम उनको जानते हैं, तो उनका तो हमारे जहन में था कि क्योंकि वो बहुत टेक्निकल और बहुत वैसे ढोल को ना बहुत सुलझे हुए तरीके से बजाने वाले हैं, और एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल क्लिक पे बजा रहे हैं तो वो उनकी वो बात हट जाएगी ढोल वाली, क्योंकि अमून होता है कि फोक इंस्ट्रूमेंट को जब आप ऐसे रिकॉर्डिंग वाले एनवायरनमेंट पे लाओ तो उनकी वो चीज़ चले जाती है फोक वाली, वो सोहन लाल जी के साथ नहीं होता है, तो सोहन लाल जी इस तरीके से, उनके साथ सुखारू जी हैं वो दमाऊं पे, वो भी उनको भी हम काफ़ी पहले से देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। बाद फिर पंकज नाथ जी हैं फ्लूट पे, वो तो कब से मेरे साथ हैं, काफ़ी जब से मेरा करियर शुरू हुआ तब से साथ है। सुभाष पांडे जी, उनको भी हम परकशन पे, ढोलक पे, और कभी कभी ढोल दमाओं के इनपुट्स जो टेक्निकल वाले होते हैं वो भी वो देते हैं, तो सुभाष भाई भी वो भी हैं। बाकी सैम है एक, और मैं उनको दूसरी जो चैलिस्ट है हमारी, उनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत अजीब सा नाम है उनका, मतलब बाहर की हैं तो मुझे वो नहीं, बाकी ये लोग, इन लोगों से भी हमने ऑनलाइन संपर्क किया था क्योंकि ये लोग हमको टेक्निकली वो चीज़ें रिकॉर्ड करके, वायलिन, चेलो, ये सब रिकॉर्ड करके भेज रहे थे, जो हमें स्ट्रिंग सेक्शन में बहुत हेल्प कर रही थी। तो और एक सुरेंद्र है ना, एक सुरेंद्र थे देसवाल करके, वो वहाँ के, वो देहरादून के ही आसपास गांव के हैं, वो भी एक बहुत मतलब उनसे मेरा परिचय, मैं उनको उनका नाम इसलिए बहुत अच्छे से याद नहीं क्योंकि उनका परिचय मुझे सुभाष भाई ने करवाया था कि ये बहुत अच्छा ढोलक बजाते हैं और ढोल भी अच्छा बजाते हैं, तो वो भी हमें बैकग्राउंड म्यूज़िक जब हम कर रहे थे तो ये दो चरण में हुआ है, तो पहले चरण में उन्होंने बजाया था सुरेंद्र ने।
पांडवास क्रिएशन उत्तराखंड म्यूज़िक में अब काफ़ी चर्चित नाम है, लेकिन अक्सर एलिगेशंस लगते हैं कि काफ़ी रूड हैं, कॉस्टली हैं और बहुत ही लेट प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये जस्ट अफवाहें हैं या कहीं कुछ ना कुछ सच है? देखिए, लेट में इसलिए करते हैं क्योंकि चीज़ों को समझने का समय मुझे चाहिए होता है। अगर आप पर्सनली मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे चीज़ों को समझने के लिए समय चाहिए। मैं ऐसे नहीं कर सकता किसी प्रोजेक्ट को, और जो प्रोजेक्ट मैंने जल्दीबाजी में करे हुए पिछले 8-10 साल से, जब से मैं कर रहा हूँ, मैंने ये जाना है, पहचाना है अपने आप को कि मैं उनमें बहुत अच्छा नहीं कर पाता हूँ। और जो प्रोजेक्ट 2 दिन में चलते हैं, बनते हैं, वो 10 दिन ही चलते हैं। जो प्रोजेक्ट खूब अच्छा लंबा समय लेते हैं बनने में, पकने में, उनकी लाइफ, उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, पैसे के मामले में अगर मैं आप बोलें कि ये बहुत पैसा ले रहे हैं, ये काम जो है ये सस्ता काम है ही नहीं, इसमें पैसा ज़्यादा लगता ही लगता है। और मैं आपको ये बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस पैसे में काम कर रहे हैं वो पैसा इतना कम है, इतना कम है। हमसे कम जो लोग काम कर रहे हैं वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कम पे काम कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। हम भी कम पे ही काम कर रहे हैं। अगर आप बाहर प्रोडक्शन देखेंगे, आप, मैं बाहर मतलब उत्तराखंड से बाहर, आप पंजाब में चले जाइए, आप बॉम्बे में जाइए, बॉम्बे के आप म्यूजिशियंस को हायर करिए, एक एक म्यूजिशियन आपका 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये लेता है। इतने में आप यहाँ 2-2 गाने बना देते हैं। तो कहाँ ज़्यादा पैसा ले रहे हैं भाई हम? अगर म्यूजिशियंस का पैसा ले रहे हैं, अच्छे म्यूजिशियंस का पैसा ले रहे हैं, तो हमको अपने, आप क्या चाहते हैं कि हम किसी भी म्यूजिशियंस को, जो म्यूजिशियन अच्छा नहीं है, मतलब सधावा नहीं है, उसको आप अपने गाने में कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बुला दोगे? आप एक अच्छे आर्टिस्ट को ही तो चाहोगे कि वो आपके स्टूडियो में आए, अच्छा काम करके दे, आपका समय भी बचेगा, जल्दी से काम करेगा और बेहतरीन काम करेगा। उसके लिए आपको पैसा तो देना पड़ेगा ना उस आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट भी तो कमाने के लिए ही ये सब काम कर रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा आर्टिस्ट चाहिए तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, और अगर हमको अच्छे आर्टिस्ट को पैसा देना है तो हमको लेना भी पड़ेगा। कहते हैं कि उत्तराखंड में पानी और बाणी कोस कोस में बदल जाती है, फिर ऐसे में एक बोली को लेकर गीत बनाना कितना चैलेंजिंग रहता है? देखिए, अगर कोस कोस पे वाणी बदलती है, भाषा बदलती है, बोली बदलती है, तो ऐसा भी नहीं है कि समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, समझ में आती है। लेकिन हाँ, कुछ वर्ड्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, उसके लिए देखिए हम अभी यही कर सकते हैं कि सबटाइटल्स और ये सब का हम अच्छे से यूज़ करें। हम बहुत अच्छा, बहुत समय लगा के हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में भी, पहले गढ़वाली में भी उसको लिखते हैं, फिर उसको हिंदी में लिखते हैं, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करते हैं, ताकि जितना अच्छा हम लोगों को समझा पाएँ, जितना हम हो सकें उतना हम लोगों को शब्द का बेस्ट वो बताएँ, मीनिंग बताएँ। अब आगे चल के अगर ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं तो हम गढ़वाली में ही उसके सिनोनिम्स भी लोगों को बताएंगे कि यार इसका पर्यायवाची ये होता है और इसको ये भी बोलते हैं। तो अभी देखो, अभी तो इनिशियल स्टार्ट है। ईशान जी, एक और क्वेश्चन था कि चैतवाली 2 उतना नहीं चल पाया जितनी एक्सपेक्टेशन थी। चैतवाली 132 मिलियन पे है और चैतवाली 2 जो है 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं क्या आपको कोई रिग्रेट है कि काश इस गाने की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती, चैतवाली 2 के नाम से रिलीज़ ना किया जाता, किसी और नाम से रिलीज़ किया जाता तो शायद अच्छा रिस्पांस होता, ये चैतवाली 1 के नीचे दब ना जाता? देखिए, वो ना ये सब प्रोड्यूसर की अपनी सब वो है। अब अमित सागर जी ने जो सोचा होगा वो हिसाब से उसको प्लान कर रहे होंगे। अब रिग्रेट मुझे ऐसा रिग्रेट तब होता है जब मैं किसी ख़राब चीज़ को प्रोड्यूस करता हूँ, जिसमें कि फूहड़ता है, जिसमें कि कोई मतलब ही नहीं है, फालतू की लिरिक्स हैं, और मैं उसको फिर भी मैंने बना दिया। मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि उन्हीं चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम होती है कि यार ये मैंने क्यों किया है गाना जिसमें कोई मतलब ही नहीं था। चैतवाली 2 ऐसा नहीं है। चैतवाली 2 उन्होंने, अब उन्होंने भी सोचा होगा कि चैतवाली है, चैतवाली 1 है, तो उसकी एक सीक्वल बनाते हैं चैतवाली 2, चैतवाली का भी उसको फ़ायदा मिलेगा। हर कोई फ़ायदा तो सोचता ही है। बाकी नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे हिसाब से वो काम अच्छा हुआ है और मैं संतुष्ट हूँ। अगर कंपेयर किया जाए तो पांडवास के यूट्यूब पर बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं एंड व्यूज़ हैं, वह इंस्टाग्राम पर बहुत कम फॉलोअर्स हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि पांडवाज आज के हिसाब के गाने नहीं बना पा रहा है जो हर कोई आसानी से समझ ले और गुनगुनाने लगे? या फिर ये कहा जाए कि शायद
अच्छे गीतों को सुनने वाले अब बहुत कम रह गए हैं। देखिए नंबर्स के गेम को तो हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं, मतलब शुरुआत में तो लिया था जब हम शुरुआत कर रहे थे कि जी कितना चल गया है गाना वगैरह, फिर बाद में हमने इसको सीरियसली लेना बंद कर दिया। हमारे गाने क्यों जुबान पे नहीं चढ़ते इसका जवाब हमें तो नहीं पता क्यों नहीं चढ़ते। मतलब अब जैसे ये गाना है जो यकुलास में है, ये जो कविता है पूरी जिसको रैप अप किया है जगदम्बा चमोला जी ने, अब वो कौन बोल पाएगा बताइए। इतने क्लिष्ट वर्ड हैं उसमें, इतने क्लिष्ट शब्दों का समागम हुआ है कि वो तो कितनी बार हम टेक लेते थे तो जुबान ही लड़खड़ा जाती थी क्योंकि उसको फास्ट भी लेना है तो ये बहुत टफ हो जाएगा। तो अब हम ऐसे गाने बनाएं जो इजी वर्ड जिनमें यूज़ हुए और वो तब हिट हों, फिर तो फिर उनका जो वज़न है वो भी कम हो जाएगा गाने का। तो इससे तो कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे नंबर्स, ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए, ये तो सीधी बात है, ये तो हमने ठानी हुई है। तो कोई बात नहीं, नंबर्स कम आ रहे हैं पर मुझे ये पता है कि फिल्म अच्छा कर रही है बाकी फिल्मों से। अभी जो 2 दिन हुए आज तीसरा दिन हो जाएगा तो फिल्म तो बहुत अच्छा कर रही है, जितना क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना मतलब ओपन मतलब सिनेमा को भी, इतना एब्स्ट्रैक्ट सिनेमा को भी पसंद करेंगे। तो मूवी को उतना रिस्पांस मिल रहा है क्या जितना आपने सोचा था? फिल्म से जैसा रिस्पांस मैंने सोचा था उससे अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है, क्योंकि मैं तो नर्वस था कि रिलीज़ डेट आगे हो जाएँ, मैं अभी एक और फेस्टिवल में भेजता हूँ, पहले मैं देख लूँ कि फेस्टिवल में क्या लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, उस हिसाब से रिलीज़ करूँगा। फिर मुझे मेरी टीम ने और मेरे घर वालों ने ही प्रेशर कर दिया कि नहीं आप अभी एक पोस्टर बनाएंगे और उसमें 27 अगस्त लिखेंगे। मैंने कहा 27 नहीं 28 तो लिख लो, सैटरडे को कर लेते हैं, फ्राइडे को क्यों कर रहे हो। नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये परसों होना है। और सच में हुआ भी ये कि हमने 2 दिन पहले पोस्टर बनाया, 2 या 3 दिन पहले पोस्टर रिलीज़ किया, एग्जैक्ट बताऊँ तो 24 तारीख को, क्योंकि 23 तारीख आखिरी डेट थी, एक फेस्टिवल में भेजा वहाँ भेजा और उसके बाद 24 तारीख को रिलीज़ कर दिया कि जी हम पोस्टर रिलीज़ कर दिया कि जी हम 27 को 6 बजे फिल्म को रिलीज़ करेंगे। तो फिर वहाँ मुझे थोड़ा था कि एक दिन पहले तक कि मैं एक और बार फिल्म देखना चाहता हूँ। फिर सुबह तक 6 बजे बजने 27 तारीख के 6 बजने वाले हैं, सुबह तक मैं छोटे मोटे एडिट्स करवा रहा हूँ, नहीं 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 ये साउंड यहाँ पर ऐसा है, ये ऐसा कर दो। क्योंकि देखिए सिनेमा ये अलग तो है, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, बिल्कुल अलग है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या रिज़ल्ट होने वाला है क्योंकि मैं पब्लिक के सामने दिखाया ही नहीं हूँ और ये मेरी पहली फिल्म भी है। ईशान की अगर एज अ बैकग्राउंड स्कोर के हिसाब से देखा जाए, म्यूज़िक डायरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो वो पहले भी फिल्म कर चुका है, पर एज अ डायरेक्टर उसके नाते तो मेरी ये पहली फिल्म थी। और ये पांडवास की टाइम मशीन सीरीज़ भी थी तो लोगों का पैसा सबसे बड़ी बात, तो लोगों का पैसा इस पे लगा है तो आपको वो जो प्रेशर फील होता है वो था, वो 3 सालों तक था मुझे। और अगर मैं ये भी कहूँ कि 1 साल मैं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में भी था कि मैं नहीं बना पा रहा हूँ और लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पे लोग पूछेंगे कि क्या तुम वो पैसा खा गए, कहाँ गए भाई। क्योंकि आपके पास जब अपना पैसा होता है तो आप मतलब एक अलग आपके पास अकड़ होती है कि जी किसी ने कह दिया कि कब रिलीज़ करोगे, कहते हैं जब मन आएगा तब रिलीज़ करेंगे, हमारा क्या है। पर ये इसमें लोगों का पैसा था, क्राउड फंडिंग थी सबसे बड़ी बात। और मैं आंकड़े भी बता दूंगा कि 2.5 लाख रुपया लोगों ने जमा किया था और वो कम से कम 250 से ज़्यादा लोग थे और वो कास्टिंग में, और ऐसे पोस्टर भी हैं जिनमें उनका नाम है और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखा था। तो वो प्रेशर अलग था पर अब वो प्रेशर बिल्कुल रिलीज़ हो गया है। बस इतने लोगों ने समझ लिया फिल्म को, इतने लोगों ने छोटी छोटी बारीकियाँ देखी, मन प्रसन्न है और खुशी है दिल में कि चलो अब यहाँ से सूरत बदलेगी अब फिल्म बनने की, कम से कम उत्तराखंड में। तो फिर अब पांडवास से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि और भी शॉर्ट मूवीज़ आएंगी या फिर वेब सीरीज़ आएंगी फ्यूचर में? देखिए शॉर्ट मूवी तो अभी पता चल गया कि कितना टफ है बनाना, तो वेब सीरीज़ कितना टफ होगा ये भी लग रहा है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज एज कि जैसे टेक्निकल हमारे पास सपोर्ट नहीं है या हमारे पास एक्टर्स नहीं है वैसे,
कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी एक्टर्स नहीं है वैसे, कि मतलब जो इतना रियलिस्टिक कर सकें जो मुझे चाहिए, क्योंकि अभी आप म्यूज़िक वीडियो में ऐसा होता है कि आपको डायलॉग्स नहीं बोलने होते हैं, तो एक मॉडलिंग जैसा असाइनमेंट है वो, पर आपको जब डायलॉग बोलने पड़ते हैं तो वो पूरा अभिनय पूरा कहलाता है, जब आपको वाचिक अभिनय भी करना होता है, जब आपको बोलना भी पड़ता है। तो टिकटॉक और ये जो म्यूज़िक वीडियो है ये मॉडलिंग ठीक है, पर जब आपको बोलना पड़ता है तो फिर वो अलग लेवल हो जाता है उसका। तो वो तो तभी होगा जब पहाड़ी रंगमंच और सुधरेगा, और हम लोग जो सिर्फ म्यूज़िक ये मतलब मीडिया पे काम डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं, वो हम रंगमंच में वापस थोड़ा काम और करेंगे कि हमने अपने समय पे किया, पर हम अभी और नए लड़कों को लड़कियों के लड़के लड़कियों के साथ जब हम नए लड़के लड़कियों के साथ जब हम काम करेंगे तो उनको भी और हमें भी फिर से पॉलिश होने का मौका मिलेगा, और फिर हम कह सकते हैं कि जी हम एक फीचर फिल्म बना रहे हैं या हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं जिसे फुल फीचर कहते हैं, तो वो तभी हो पाएगा। उत्तराखंड म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की जाए, जो कि आप कई बार कहते हैं कि उत्तराखंड में इंडस्ट्री है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो यहाँ सभी आर्टिस्ट ने अपना अपनी टीम बना रखी है। अब उनको सिर्फ उसी टीम के साथ काम करना है और वो किसी और के साथ काम नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा अच्छा काम करता भी है तो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, और कोई कुछ गलत करता है तो उसे समझाएंगे भी नहीं। तो इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, काम कौन किसके साथ नहीं करेगा करेगा वो तो एक सबका अपना कंफर्ट जोन है ना, उस पे तो मैं क्या टिप्पणी करूँ। म्यूजिशियंस हैं जो सबके साथ काम करते हैं, जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो सभी के साथ काम करते हैं, है ना। प्रोड्यूसर्स का भी हाँ हो सकता है कि कोई किसी को, जैसे मेरा भी कुछ है कि कुछ सिंगर्स को मैं मना कर देता हूँ कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ काम नहीं करना है, इसलिए क्योंकि मैं उनके जैसा म्यूज़िक नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो मेरे हिसाब से अच्छा हो या बुरा हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं आपको बहुत ब्लंटली बोल सकता हूँ, मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ कि यार ये गाना तो गुंजन अच्छा कर सकता है, ये गाना तो, और जैसे नवीन है और बहुत सारे लोग हैं जो म्यूज़िक कर रहे हैं, तो मैं उनके पास भेज देता हूँ कि यार इनसे करवाओ ना, वो अच्छा करते हैं। देखिए, जो अच्छा कर रहा है मेरे हिसाब से तो अच्छा करने वाले को तुम रोक भी तो नहीं सकते हो, क्या करोगे। जो अच्छा कर रहा है, जिसकी बौद्धिक स्तर अच्छा है, जो अच्छा गाता है, अच्छा लिखता है, जो भी है, या रिकॉर्डिंग अच्छी करता है, या म्यूजिशियन अच्छा है, डांसर अच्छा है, जो भी है, उसको आप नहीं रोक सकते। जो अच्छा कर रहा है उसके लिए तो ठीक है ना। हाँ, आप उसकी तारीफ नहीं करते हैं, जो पुराने म्यूजिशियंस हैं, बड़े जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो एक गलत बात है कि आप नहीं करते हो, है ना। वो पता नहीं कैसा पर्सपेक्टिव उनका दिमाग में है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, जो जो गलत राह पे जा रहे हैं उनको, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप ये लोग ना, अगर जैसे कोई सिंगर आया, वो अच्छा सिंगर नहीं है, और मैं उनको बोलूँ कि यार आप देखो अभी आपका बहुत अच्छा नहीं है गायकी का स्तर, आप एक बार सीख लो या किसी से गाइड लो, गानों को अच्छे करो, कंपोजिशंस को अच्छी करो, तब आओ, ये पैसे खर्च हो जाएंगे आपके फालतू के और इससे कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो सामने सामने बोलेगा हाँ ठीक है भाई जी, आपने बहुत अच्छा बोला, उसके बाद कहीं और चले जाएगा और फिर वहीं रिकॉर्डिंग करा देगा। और मैं बोल रहा हूँ उसी समय करा देगा, क्योंकि वो कीड़ा जो है ना, ये कलाकारी वाला, ये बहुत मतलब क्या बोले, बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। फेमस होने वाला, हाँ फेमस होने वाला, ऑब्वियसली कला, अगर आप कला के बारे में सोचोगे तो फिर तब तो आप सीखना चाहोगे ना, अगर आप कलाकार बनना चाहते हो सच में तो आप सीखोगे। अगर आपको फेमस होना है तो आप किसी भी बाय हुक और क्रूक आप काम को, बस आप बोलो कुछ भी करके बस गाने को चमका दे यार, जो मर्जी। तो जो गलत है ये भी तो कारण है। अब मैं, मेरे इतने बैड एक्सपीरियंस है, मैं किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि यार इसको बोलूँ ना बोलूँ, फिर कल क्या है कि मेरा ही बेवकूफ़ बनेगा। मैं तो उसको बोल दिया अच्छे से, समझाया बुझाया कि मत जाओ रे, बाहर क्यों जा रहे हो, तुम यहीं अब अपने यहीं पे काम करो अच्छे से, गढ़वाल में देखे कितना स्कोप है, खाली पूरा सब कुछ मार्केट पड़ा हुआ है, नहीं हमको दिल्ली जाना है, हमको बॉम्बे जाना है, वहाँ करेंगे हम, ये करेंगे हम, अब जाओ जाके फिर आगे वापस कुछ नहीं कर रहे। मूवी में लीड रोल के लिए आप दिल्ली या मुंबई से एक ट्रेंड आर्टिस्ट भी बुला सकते थे, जैसे आपने शकुना देव में अनूप जी को बुलाया था, लेकिन फिर भी आपने इस मूवी में गाँव के एक बुजुर्ग से ही लीड रोल कराना सही क्यों समझा? शकुना देव में बात अलग थी, वो अलग किस्म की एक्टिंग थी जिसमें मुझे टाइट शॉट लेने थे और मुझे एक्सप्रेशन चाहिए थे। कि मैंने अनूप जी, जो अनूप, तो हम तो अनूप सर कहते हैं, अनूप त्रिवेदी सर, तो उनके साथ
काम तो नहीं किया था पहले, पर उनको मैंने थिएटर पर एक्ट करते देखा था दिल्ली में, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रेपर्ट्री में थे, तो मैंने देखा उन्हें बहुत टाइम से। हम तो मतलब वहाँ पर सीखने जाते थे, काम नाटक करने जाते थे, तो हम देखते रहते थे कि अरे सर कितना अच्छा एक्ट कर रहे हैं। फिर पता चला कि वो उनकी रिश्तेदारी है उत्तराखंड में, तो उन्हें अप्रोच किया मैंने कि सर आप ये करेंगे, तो उनके घर वाले जो उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि जी ये बहुत अच्छा काम करते हैं पांडवा वाले लड़के, आप इनके साथ करो, तो वो मान गए। फिर पहुंचे, उन्होंने देखा अरे ये कैमरा घूमरा इतने इतने लोग होते तुम्हारे यहाँ, तो फिर शुरू हुई शूटिंग, तो उन्होंने किया। हाँ, इस प्रोजेक्ट में यकुलास में ऐसा एक्टर कोई क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें एक्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें ये जीने वाली बात है, और हम POV शूट कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि जो नॉन एक्टर हैं आप उनके साथ काम करते हैं, तो आपका भी टेस्ट होता है कि आप पेशेंस का भी टेस्ट होता है खैर, और आपका भी टेस्ट होता है कि आप मतलब फिल्म मेकर का, तो जो से ये मीडियम जो है फिल्म मेकिंग देखा जाए तो ये तो फिल्म मेकर का यानी कि डायरेक्टर का मीडियम है, और जो रंगमंच है वो डायरेक्टर तभी ख़त्म हो जाता है जैसे पर्दा उठता है, तो दोनों में फ़र्क है बहुत। इसमें ऐसा कोई चाहिए ही नहीं था, जैसे आप देखें उनके POV में, पर्सन ओवर व्यू में, तो पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं सॉरी, जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो POV, उसमें देखिए अगर आप कि उसमें जो एक्टर है उसके सिर्फ हाथ देखेंगे, मुझे उसकी एज, उसका मैनर, उसका बिहेवियर और उसका सब कुछ इमोशंस उसके हाथ से ही पता चलना है, उसकी चाल चाल से पता चलना है, उसके मूवमेंट की स्पीड से उसकी एज पता चलेगी। तो इसमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एक युवा एक्टर करे वो, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट नहीं है यहाँ पर प्रोस्थेटिक वाले कि वो उनका हाथ इतना अच्छा बुजुर्ग का हाथ बना दें, या जो हल चलाते हुए या हल उठाते हुए या काम करते हुए रोज मतलब डेली बेसिस के जो काम करते हुए आप देखें, चाहे वो हल चलाना है चाहे वो कुदाल चलाना है, आप देखिए कि वो हाथ जो होते हैं हल चलाने वाले वो अलग होते हैं, वो जो नाखून होते हैं, वो जो उंगलियों की जो उंगलियों पे या आप देखें हथेली पर पड़ी झुर्रियाँ जो हैं वो अलग होती है काम करने वाले इंसान की। तो वो तो वही आदमी होना चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे ये काम कर रहा है, ये क्योंकि ये एक्टिंग है ही नहीं, ये जीवन जीना है, तो हम ये पूरा जो लाइफ स्टाइल है ये ही शूट कर रहे थे, तो इसलिए टाइम इतना लगा भी, क्योंकि वो तो हमारे लिए तो हल वो करेंगे नहीं, या हमारे लिए तो वो अपना खेत खराब करेंगे नहीं, तो उन्हें जब करना था तो हम वेट करते थे कि अच्छा आपका टाइम हो गया हम आपको एक कैमरा पहना देते हैं, अच्छा आपका इस चीज़ का टाइम हो गया वो कैमरा पहना देते हैं, बस हमारे लिए ये था कि उस कैमरे में हमारी यूनिट ना दिखे, बस बस हमारे लिए और कोई चैलेंज नहीं था, हमें पता है ये इस आदमी को अपना काम आता है और ये करके रहेगा, और क्योंकि उन्हें उनका तो ये काम है तो वो करेंगे वो डेली बेसिस पे। उत्तराखंड में जो बाकी यंग आर्टिस्ट हैं जैसे रूहान, करिश्मा, प्रियंका, इनको हमेशा ट्रोल किया जाता है कि आप जो हैं पुराने ही गाने मैशअप करते हैं, नए गाने की रीड नहीं करते। नेगी जी ने भी कई बार बोला है कि क्यों गूंधे हुए आटे को गूंद रहे हो, आपने भी शुरुआत में काफी ट्रोल किया था, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए टैलेंट की तो बात ही नहीं है, देखिए अगर सबसे मुझसे अगर कोई पूछे सबसे मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन कौन है अभी उत्तराखंड में, तो रुहान भारद्वाज है, इतना स्किलफुल इतना टैलेंटेड, मेहनत तो की होगी ना यार, इतने इंस्ट्रूमेंट बजा रहा, वो तबला बजाए वो गिटार बजाए या वो कुछ हारमोनियम प्ले करे या कुछ भी दे दो, मैं तो कह रहा नया भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ेगा ना उसको 1 महीने छोड़ना है उसके पास, वो तो पैदा ही हुआ है संगीत अंदर है। अब देखिए सब लोग जब आते हैं तो कुछ साल लगता है फिर समझते हैं, हमें थोड़ा साल ज़्यादा हो गया समझ है, और पर कम भी होती है कहीं कहीं मैच्योरिटी लेवल। आज की डेट में अगर ऐसा होगा तो हम किसी या कोई ट्रॉल कर रहा तो उसके नीचे कमेंट भी नहीं करेंगे, अब मेरा ऐसा मानना है कि कोई ट्रॉलिंग चल रही है उनके नीचे कमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक फिक्स गैंग है जो जिसका काम कुछ नहीं है सिर्फ ट्रॉलिंग काम है,
उसको भी बोला, अब उसको पर्सनल नहीं बोलना चाहिए। देखिए अगर रूहान को अगर ऐसा बोल रहे हैं, किसी को कुछ ऐसा बोल रहे हैं, किसी को भी, करिश्मा को या प्रियंका को, किसी को भी नए आर्टिस्ट को, तो आप पर्सनल नहीं बोलना चाहिए। देखिए ऐसा बोल, चलो हो गया, इतना बोल दिया कि अपना गाना बनाओ, ये सब बनाओ, ठीक है। पहले हमारा अगर फुलारी हिट होता है तो कहते हैं चलो ये नेगी जी का गाना है, ठीक है जी आपने कॉपी किया है, बल्कि इंटरनल स्टोरी उसकी कुछ और ही है अंदर, जो हमारी बात नेगी जी से हुई है, ठीक है। नेगी जी ने कभी नहीं बोला, आपने साथ में आया, पूरी एक पूरी ऐसी एल्बम निकाली जी बिल्कुल ओरिजिनल थी, फिर उसको सुनने वाला नहीं है। आप ओरिजिनल काम भी करोगे, आप फॉरेस्ट फायर पे काम कर रहे हो, आप किसी पे काम कर रहे हो, उस पे काम करो, उनको देखेगा नहीं आदमी, ट्रॉलरशिप क्या देखेगा, फुलारी वो नेगी जी का है, लेकिन रेट दे रखा है, वो उसके ओपनिंग रिलीजिंग में है, शकुना दे की भी रिलीजिंग में है नेगी जी, तो उनसे मतभेद होते तो आते ही क्यों। एक तिल का गाना है, वो गोपाल बाबू गोस्वामी की फैमिली ने उसको वो कर रखा है कि प्लीज़ बनाओ, हाँ ठीक है बहुत अच्छा है कर रहे हो बनाओ, बल्कि वो उनकी फैमिली, उनके बच्चे सिंगर्स हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे पापा का गाना तुम कैसे बना रहे हो, हम ही को बनाए बनाने दो। तो तिल का कुमाऊँनी गीत है, दूसरा है शकुना दे, उसके नीचे कमेंट आता है ये गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गाना है, तो अरे यार उनकी फैमिली बोलती ना उसके लिए भी अपना, ठीक है। ये एक्सपीरियंसेस हैं, अभी ट्रॉलिंग का जवाब है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, हम लोग सब मिलके काम क्यों नहीं करते। शायद ऐसा कोई आइडल भी नहीं दिखा हमें कि जिसको हम फॉलो करें और मिलके काम करना सीखें, मिलके कभी हुआ ही नहीं है। हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि हम करेंगे और एक कोक स्टूडियो या MTV अनप्लग जैसा करेंगे, सब आर्टिस्ट उसमें आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे वाले आर्टिस्ट तो हैं नहीं कि हम गाते हैं, कुणाल गाता है या एक्ट करता है, ईशान सिंगर है प्रो, ऐसा तो है नहीं। हम तो सब लोग टेक्नीशियन है वैसे ज़्यादातर, तो अगर देखा जाए कि पांडवाज में, तो हम लोग ये वाला काम करते जो हमको आता है, और जो टैलेंटेड हैं जैसे ये आप कुछ भी कर लो, इनमें स्टेज में आग लगाने वाली बात तो है ना, एक्स फैक्टर। प्रियंका का मैं इतना सिंगिंग में इतना बड़ा मुरीद नहीं हूँ जितना मैं उसका एक्स फैक्टर का मुरीद हूँ। कॉन्फिडेंस देखिए उनका बहुत ऊपर है, उससे उनका स्टेज अच्छा होता है। आर्टिस्ट हैं स्टेज के लिए, आर्टिस्ट सिखाया थोड़ा ना जाते हैं कि एक स्कूल है वो स्टेज का आर्टिस्ट बनाएंगे, वो तो अंदर है यार, बिना स्कूल के ऐसा कर रहे हैं वो। तो मिलके साथ करने के लिए काम ही नहीं होता था। हम गए बड़े बड़े आर्टिस्ट से, अब नाम नहीं लूंगा मैं लेजेंड्स का, वो कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है फिर। उनके पास गया मैं, मैंने कहा नहीं ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, पहले पांच इतने सारे म्यूजिशियन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा सितार भी लगेगा, ये भी लगेगा, अच्छा ये किट भी लगेगी, वो भी लगेगा, एक इतने बड़े जगह पे आप पूरा सेट बनाओगे तो ये तो बहुत पैसा लग जाएगा। हमने कहा सर जब 1.5-2 लाख का हम एक पियानो क्रिएट कर सकते हैं, कि वो जो वहाँ पर रहेगा उसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने एक सीन के लिए जो कुछ सेकंड्स का है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो फिर नहीं समझे लोग, ना बुलाते थे यार महंगा पड़ जा लो यार, तो वो ये वाला एटीट्यूड में। पर हमने कहा संजय से कि हम ऐसा करेंगे और हम ऐसा करने वाले हैं, एक सीरीज़ पूरी ऐसे निकाल रहे हैं, जिनका वीडियो नहीं बनाना चाहते, जिन गानों में हर गाने का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, वो भी एक वेस्ट है। नहीं बना लो उसके बाद, पर एक ऐसे होना चाहिए जो आर्टिस्ट, कुछ गाने ऐसे अरेंज होते हैं जिसमें आर्टिस्ट दिखना चाहिए, अरेंजमेंट की खूबसूरतियाँ दिखनी चाहिए, वो मेहनत दिखनी चाहिए, उससे रोजी रोटी का साधन भी बनता है। लाइव बुला लेते हैं लोग, अच्छा ये गाना तो लाइव का है, जैसे अगर चुरा लिया है तुमने मैं जो दिल को, ये जो गाना है इसमें गिटार दिख रहा है, तो लोगों को ये लगता था यही गिटार वाला गाना है बस, और कोई गाना गिटार वाला नहीं है। बुद्धि उतनी है ना कि वो दिख रहा है तो वो है। तो वही वाली बात है, जैसे पानीदार रंग देख के ये गिटार पे गाना है, ये गिटार का, इसको गिटार पे बजा भाई, क्योंकि क्यों, क्योंकि आयुष्मान खुराना उसमें गिटार बजा रहा है। तो मिलके साथ करने वाली काम ये है कि जो छोटे हैं उनका ईगो बहुत ज़्यादा है, जो बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हैं अपनी सोच को लेके। मैं तो इंटरव्यू भी करना चाहता हूँ, जैसे मैं इंटरव्यू लेने का शौकीन, देने का शौक रखता हूँ, वैसे मैं तो लेना भी चाहता हूँ, पर फिर वही हो जाएगा ना ये। और जो ट्रॉल हमने जो
करना शुरू किया, जो गलती थी हमारी, कभी भी किसी को ट्रॉल नहीं करना चाहिए, जो तुमने पिक किया ठीक है, अच्छी बात है। वो इसलिए भी हुआ क्योंकि फर्स्ट फायर हम कभी नहीं करते हैं, सेकंड भी नहीं करना चाहिए, फर्स्ट नहीं करते हैं। वो कहीं से हमारे पास स्क्रीनशॉट आया है, जो ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, जो नए नए बच्चे छोटे छोटे, वो बहुत बहुत ऐसी बात थी वो कुछ। अगर कोई नया आर्टिस्ट आपको सुन रहा हो तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन तो यही है यार कि देखो, अच्छा सीखो, पहले रिसर्च करो, देखो कि पुराने लोगों ने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। ऐसा नहीं कि आप फॉलो कर रहे हो, ये भी नहीं है। गलत चीज़ों को के लिए आवाज़ अगर नहीं उठा सकते हो तो कम से कम उसको प्रमोट मत करो कि मेरे दगड़िया का गीत है, तो इसको चाहे वो घटिया है लेकिन उसे फेसबुक पे पोस्ट करो, प्रमोट करो, मत करो बेकार चीज़ों को, वो मत करो। हमको भी क्रिटिसाइज़ करना है, करो, खुल के करो। अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो बोलो, बोलते हैं लोग। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली आप किसी को अगर बोल रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें, पहली बात तो मर्यादा का ध्यान रखें, दूसरी बात ये है कि आप उस बारे में कितना जानते हैं तभी बोलें। ऐसे भी कि ऐसे भी किसी को नहीं बोल देना चाहिए, और सजेशंस आपके हमेशा बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। बाकी एजुकेट होते रहिए, अच्छा सीखिए।